So today, when we start when this new topic of transformation, right, trigonometrical transformations, these two things are the ones जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। इसकी हेल्प से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है? So in case both of you has any doubt or anything, in case voice clarity नहीं, हालांकि होगी, but still अगर कोई परेशानी आए तो फिर just use your mic or the chat box, whatever you are comfortable. So the result that we get from these four results, right, जो already ये चार results हैं जिसका proof हमने पिछले क्लास में कर रखा है, तो उन results पे हमें focus करना है। जैसे अगर मैं first two पे ध्यान दूँ, equation one और equation two पे, अगर मैं इनका sum और इनका difference check करूँ, let's say पहले sum लेता हूँ, ठीक है? If I do cos of a minus b plus cos of a plus b, मैंने a minus b पर्पसफुली पहले लिखा है बिकॉज ए माइनस बी में दोनों प्लस होते हैं, ठीक है? और आपको पता है प्लस वाले में एक माइनस होता है, तो मैंने पर्पसली ऐसा लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस साइन थिंग विल बी गॉन, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली चीज चली जाएगी, बचेगा क्या? ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, राइट? लेट मी कॉल दिस एज रिजल्ट नंबर वन, ठीक है? लेट मी कॉल इट एज रिजल्ट नंबर वन। सिमिलरली अगर मैं इनका डिफरेंस लू, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर। इफ आई चेक द डिफरेंस बच्चों, तो यहां पे देखो जब मैं इसका माइनस करूंगा तो ये जो प्लस वाली चीज है जो बाद में है, इसमें ये माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस थिंग द कॉस थिंग विल बी गॉन, बचेगा क्या मेरे पास? दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। लेट मी कॉल दिस रिजल्ट एज रिजल्ट नंबर टू। ओके, नाउ व्हेन आई कम टू द अदर टू इक्वेशंस ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, एग्जैक्टली मैं ऐसे यहाँ पे प्लस और माइनस करने वाला हूँ, ठीक है? चलो आई यूज अ डिफरेंट कलर। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को एड करूंगा, ठीक है? ए प्लस बी में दोनों चीजें प्लस हैं, ए माइनस बी में सेकेंड थिंग इज माइनस। व्हेन आई ऐड, क्वाइट ऑब्वियस द प्लस एंड माइनस थिंग विल बी गॉन एंड आई विल बी लेफ्ट विद व्हाट, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म व्हिच इज साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी। लेट मी से इट एज रिजल्ट नंबर थ्री। सिमिलरली व्हेन आई टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, राइट, व्हेन आई चेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी क्या होगा, द फर्स्ट टर्म विल बी गॉन क्योंकि सब्सट्रैक्ट करूंगा, और ये जो माइनस वाली चीज है क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, तो अभी सेकेंड टर्म का मुझे ट्वाइस मिल जाएगा विच इज ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में जो हम लोग अभी करने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, राइट, ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमें सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्या ये प्रूफ आप लोगों को क्लियर है? इट्स वेरी सिंपल आई गेस, राइट? यस, एंड एवरीथिंग इज ओके, साउंड वगैरह सब प्रॉपर्ली आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बच्चों? नहीं सर, क्लियरली आ रही है। परफेक्ट, दैट्स गुड। तो ये दो रिजल्ट्स देखो, अब इसमें कुछ मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि कौन से रिजल्ट को तुम कब कैसे समझोगे कि यूज करना है। जब कभी भी तुम्हें दो कॉस के टर्म्स मिल रहे हैं, दो कॉस के टर्म्स मिल रहे हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू कॉस ऑफ ए माइनस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज ओनली पॉसिबल जब तुम कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का सम लोगे। दो अगर साइन के टर्म्स आ रहे हैं, अगेन दिस इज ओनली पॉसिबल जब आप दो कॉस के ए माइनस बी और ए प्लस बी का डिफरेंस लेंगे, ठीक है? बट यहाँ जो रिजल्ट नंबर थर्ड और रिजल्ट नंबर फोर्थ है, वेर यू हैव साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, बिकॉज यहाँ तो तुम्हें पता है कि ए क्या और बी क्या है, बट क्वेश्चन में ए और बी सिग्निफाई नहीं होगा, राइट? सपोज करो तुम्हारे पास कोई टर्म है साइन ऑफ थ्री एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स, यू कैन राइट द सेम एक्सप्रेशन एज कॉस ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ थ्री एक्स। सो व्हाट डू यू टेक एज टेक इट एज ए एंड व्हाट डू यू टेक इट एज बी, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ ईज इन कैलकुलेशन आई वुड सजेस्ट कि इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी है तुम उसे ए ले लो, राइट?
मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, डजंट मैटर व्हाट इज द ऑर्डर, राइट, डजंट मैटर वेदर यू हैव द फर्स्ट वन एज योर क्वेश्चन और द सेकंड एक्सप्रेशन एज योर क्वेश्चन. एज पर माय सजेशन फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन एंड टू अवॉइड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, आई वुड सजेस्ट व्हिचएवर इज ग्रेटर यू टेक इट एज ए. सो वेदर इट इज एक्सप्रेशन नंबर वन और इट इज एक्सप्रेशन नंबर टू, आई विल ऑलवेज कंसिडर ए एज 3x एंड सर्टेनली बी एज x. ठीक है, मेरी बात क्लियरिटी से तुम्हें समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, राइट. आओ इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग इज, कभी भी तुम्हें कॉस के दो एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब समझ आएगा? कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास ये टू नहीं होगा, राइट, क्वेश्चन में. यहाँ पे तो सर्टेनली बिकॉज इट्स अ फॉर्मूला तो ये टू होगा, क्वेश्चन में ये वाली चीज टू के फॉर्म में नहीं होगी. तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, यू विल कंसिडर टू से आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे. आओ देखो, जैसे अगर तुमने ये चारों रिजल्ट ध्यान से लिख लिए हैं या फिर कॉपी कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट, बिकॉज ये चारों चीजें तुम्हें सर्टेनली तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, राइट, इन ऑर्डर टू डू वेल इन योर एग्जाम. तो ये चीजें तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए. आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से एक्सरसाइज 8.1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. लेट्स से आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. नाउ अब ये कौन सा फॉर्म है, साइन ए कॉस बी. यहाँ पे ए मैं किसको कंसिडर करूँ, 3x या x? सर्टेनली मैं ए 3x को लूंगा और b x को लूंगा, राइट. तो ये चीज मुझे समझ में आती है कि ये रिजल्ट मुझे कब मिलता है, ये रिजल्ट मुझे मिलता है साइन ऑफ ए प्लस बी. ए प्लस बी का मतलब हो गया 3x plus x which is 4x, राइट, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी 3x minus x, that is coming out to be 2x. तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम एंड डिफरेंस ऑफ साइंस. Certainly, what is going to be my answer for the first one? This one. Any problem to any one of you? That's easy, right? Okay. Similarly, second expression mein, certainly main, ab ye dekho, ye cheez idhar bhi likh sakte the. This cos 3x could have been written after sin 2x. But the point that you need to remember is that jo bhi cheez badi hai, tum usko a loge. Usse pareshani nahi aayegi tumhe. Okay. Ab ye cheez kya aa rahi hai? Twice of cos a sin b. ये क्या, ये व्हाट वाज दिस, इट वाज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, तो अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी करता हूं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5x एंड माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी 3x माइनस 2x, व्हाट इज दैट, दैट इज साइन x. ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर फॉर द सेकंड वन. ओके, दैट शुड बी द आंसर फॉर द सेकंड वन. नाउ अब ये क्या है, मेरे पास दोनों टर्म साइन के हैं, दोनों टर्म साइन के हैं. इसके लिए हमने एक बात पढ़ रखी है कि दोनों टर्म साइन के हैं. ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमें तब मिलता है जब हमारे पास कॉस का डिफरेंस होता है, राइट, कॉस का डिफरेंस यानी कौन सा होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, ये चीजें हमारे माइंड में, व्हेन वी लुक एट द एक्सप्रेशन, ये चीजें माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन मैं ए जनरली सजेस्ट करूंगा, जो भी बड़ी वैल्यू उसको ए लो. ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू, बिकॉज तुम यहाँ पे इसको, दिस एक्सप्रेशन कुड हैव बीन sin 3x and sin 4x, could have been, right? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं, because cos of minus x आ गया, cos of minus 2x आ गया, sin of minus x आ गया, इन सारी चीजों में कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं सिर्फ, राइट, बाकी कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात ऐसी है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने, हमने इसका ध्यान दिया तो ये कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी cos of a minus b which is cos of x, right? 4x minus 3x is what? cos of x minus cos of a plus b. a plus b is how much? Certainly it is cos 7x. So the answer for third one should be this expression. Similarly, when I move on to the last one, I hope you realize that the last one, ye cheez kab aati hai? Jab hum iska sum lete hain, cos of a minus b and cos of a plus b. Main iska sum lunga to sin wala expression cancel ho jayega aur sirf mere paas cos mein reh jata expression. To agar maine iska answer likhna hai, ab a ki value kya lunga main? 7x lunga. b kitna lunga? 3x lunga. तो ये चीज कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी मेरे पास cos of 10x plus cos of 4x, 7x minus 3x, what is that? cos of 4x. So that should be the four answers, right? चेक करें एक बार, तुम्हारे पास बुक है चिल्ड्रन, डू यू हैव द बुक राइट नाउ? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ इतनी देर में. I'll just see. This was the answers that we got. Let's check. First one is sin 4x and sin 2x. That's okay. Second one is sin 5x minus sin x, cos x minus cos 7x, cos 10x plus cos 4x. Is it okay? That's easy.
राइट ठीक है, तो ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इट वॉज जस्ट अ स्टार्ट। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू यू हैव। चलो देखो, जैसे सपोज करो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, राइट, मुझे ये प्रूव करना है cos 5 pi by 12 and cos pi by sorry sin 5 pi by 12 and sin pi by 12, ये एक्सप्रेशन मुझे 1 by 2 प्रूव करना है। तो द मोमेंट आई लुक एट द क्वेश्चन, मुझे ये वाली चीज माइंड में सर्टेनली स्ट्राइक करनी चाहिए, ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है sin a sin b का फॉर्म है। और जब कभी भी sin a sin b का फॉर्म आता है तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ तभी अचीव होती है व्हेन आई हैव द डिफरेंस ऑफ cos a minus b एंड cos a plus b, राइट। ये वाली चीज हमारे माइंड में सर्टेनली अटैक करनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए, अटैक करना तो गलत हो जाएगा, स्ट्राइक करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू तुम्हें मालूम है, राइट, मैंने सजेस्ट किया कि ए की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू उसको ले लो, ठीक है, सर्टेनली यहाँ पे इन्होंने बड़ा ही दे रखा है तो दैट इज ओके। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसका आंसर लिखूंगा कॉस ऑफ ए माइनस बी 5 पाई माइनस 12, राइट, 5 पाई अपॉन 12 माइनस पाई बाई 12 कितना हो जाएगा ये 4 पाई बाई 12, एंड 4 पाई बाई 12 को क्या मैं पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, यस। एंड दूसरी चीज क्या होगी, कॉस ए प्लस बी दैट इज 6 पाई बाई 12 विच इज पाई बाई, राइट। तो दिस इज व्हाट आई गेट इन LHS, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अभी cos pi by 3 की वैल्यू क्या मुझे आती है, यस आती है, what is that 1 by 2 and cos pi by 2 is what, that is 0. So what do I have as the result, that is 1 by 2, that is supposed to be the required LHS. Any problem both of you, is that fine and easy? Easy है ना, राइट। Certainly, अब तुम सेकंड वाले में क्या करोगे, मैं सेकंड नहीं बता रहा तुम्हें, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे देता हूँ। अगर ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी है तो ये वाला रिजल्ट कैसे आता है, देखो एक्सप्रेशन देख के जब तुम्हारे माइंड में सही आइडेंटिटी आने लग जाए, मतलब समझो सही सिम्टम्स हैं अच्छे मार्क्स आने के, तो ये वाली चीज कब अचीव होती है मेरे पास, cos a plus b plus cos a minus b। हाँ, अगर तुम इसको इस सीक्वेंस में ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, cos a minus b plus of cos of a plus b, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे तुम्हें फिर ध्यान रखने में परेशानी आएगी, माइनस वाला जो भी जिससे भी प्लस वाला रिजल्ट आ रहा है उसको पहले रखो, ठीक है। साइन में प्लस से प्लस आता है, कॉस में माइनस से प्लस आता है, ये वाली चीज तो आपको अभी तक ध्यान हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दिस क्वेश्चन कुड ऑल्सो बी सॉल्व, इज इट ओके मनन, सेकेंड हो जाएगा इजिली, राइट, ठीक है। चलो देखो थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस बी या फिर कॉस ए साइन बी का फॉर्म है, तो ए के लिए सर्टेनली मैंने तुम्हें बता रखा है जो भी बड़ी वैल्यू उसको तुम ले लो, ठीक है, व्हाट एवर इज द बड़ी वैल्यू यू कंसीडर दैट एज ए, सो 5 पाई बाय 12 आई विल कंसीडर दैट एज ए एंड दिस इज एज बी, ये कौन सा है, दिस एक्सप्रेशन सीम्स टू मी एज ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, ये एक्सप्रेशन क्या था बेटा, दिस वॉज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो जैसे ही तुम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रखोगे यू शुड गेट द रिजल्ट, चलो देखते हैं, ठीक है। LHS का क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, व्हिच इज ट्वाइस साइन ऑफ 5 पाई बाय 12 cos पाई बाय 12, मैं स्ट्रेट अवे इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, तो मैं इसे क्या लिखता हूं, साइन ऑफ a प्लस b, व्हाट इज a प्लस b, a प्लस b इन दिस केस इज 5 पाई बाय 12 एंड पाई बाय 12 व्हिच इज व्हाट पाई बाय 2, ठीक है, बिकॉज़ 6 पाई बाय 12 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, एंड प्लस साइन ए माइनस बी, इसको जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12 इज नथिंग बट पाई बाई 3। नाउ आई विल जस्ट पुट द वैल्यू, साइन पाई बाई 2 इज 1 व्हिच इज 90 डिग्री, राइट, साइन ए 90 डिग्री इज 1 एंड पाई बाई 3 इज हाउ मच, दैट इज रूट 3 बाई 2, दैट इज रूट 3 बाई 2। व्हेन आई सिंप्लीफाई इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड RHS, दिस इज सर्टेनली द RHS। इज इट ओके चिल्ड्रन, दैट्स इजी आई गेस, राइट। इसमें डाउट था कि मतलब जैसे साइन 5 पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 12 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉस पाई बाय 12 साइन 5 पाई बाय 12, मतलब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करती, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें एक सजेशन दिया था अभी अभी बार बार ये बताई कि ए हमेशा उस वैल्यू को लो विच इज लार्जर। सी दिस इज वन प्लेस वेयर जनरली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, अभी मैंने उस पॉइंट को पहले एम्फेसाइज किया कि जो भी तुम्हारी लार्जर वैल्यू है, लार्जर इन मैग्नीट्यूड, यू कंसिडर दैट वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता ना कि वो cos pi by 12 पहले है या फिर sin, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है, एंड यू नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव, a into b is equal to b into a, ठीक है, as that is commutative, तो ये वाली बात बहुत क्लियरली है कि हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं, बट लिखने का तरीके के लिए हमने आपको बहुत क्लियरली बताया that whenever, whatever is the larger value, you consider that as the first one,
Is it okay? Okay, sir. Yes. I think a bit more discussion will really put more confidence into you. ठीक है? जैसे देखो third question की तरफ move करते हैं. Right. ये question थोड़ा सा और से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे questions का level slightly better होता जाएगा. ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो expression है मेरे पास ये क्या है? Sin 50 degree, cos 85 degree. Certainly ये sin A cos B या फिर cos A sin B का expression है. और यहाँ पे two missing है. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज व्हाट आई नीड टू कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मी. ओनली देन आई कैन अप्लाई सम आइडेंटिटी. नो राइट, आई डोंट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर sin a cos b, बट यस आई डू हैव आइडेंटिटी फॉर ट्वाइस ऑफ sin a cos b. ठीक है, अब यहाँ पे मैं a और b की जब बात सोचता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि ये छोटी है और ये बड़ी है. ये वही वाली चीज है मानो जिसमें वो भी कंफ्यूज हो रहे थे. मैं इसको क्या लूंगा, a लूंगा और इसे क्या लूंगा, b लूंगा. मतलब ये एक्चुअली में कौन सा एक्सप्रेशन है? दिस ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी. और जैसे ही मुझे ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी दिखता है, चाहे बेशक उन्होंने साइन बी कॉस ए के फॉर्म में लिख रखा है राइट, बट हमने उसको सही करके देख लिया कि अच्छा वो लार्जर है तो आई कंसिडर दैट थिंग एज ए. तो मुझे ये वाली चीज और हम सबको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, ये चीज कब अचीव होती है. दिस इज अचीव्ड व्हेन वी टेक साइन ऑफ ए प्लस बी विद द सब्सट्रैक्शन ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी. Yes or no, Manan? Yes, sir. ठीक है. Arpit, is it fine? Yes, sir. ठीक है. तो मैंने क्या किया? मैंने इसमें मैंने LHS को 2 से multiply किया और 2 से divide किया. जैसे ही मैंने 2 से multiply किया तो ऊपर वाला expression तो इस form का आ गया. इसको मैं अब इस form में लिखना चाहता हूँ. Sin of a plus b, 50 plus 85. I think that is 135 बच्चों. So that is sin of 135 degree. माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 85 माइनस 50. 85 माइनस 50 इज हाउ मच? दैट इज 35. सो दैट इज साइन ऑफ 35 डिग्री माइनस साइन के साथ. एंड लेट अस नॉट फॉरगेट कि हमने इस पूरे 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था. तो ये 2 बार नीचे वाला तो यहीं पे रहेगा. जो ऊपर वाला था वो इस फॉर्मूले में कंज्यूम हो गया 2, बट नीचे वाला 2 इज स्टिल देयर. ठीक है. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस साइन 135, आई होप यू रिमेंबर that sin 135 is nothing but sin 90 plus 45, right? And sin 35, I don't know what is the value. And the good thing is that we don't need to know what is the value, right? Because in the right-hand side, they need it as it is. So I won't be bothered about it. Okay? So मैंने इसकी value देखी. ये मेरे पास sin 90 plus 45 is how much? It is cos 45. Second quadrant में sin क्या होता है? Positive होता है. ठीक है? तो ये मैंने cos 45 इसकी value रखी. कितना आ गया ये मेरे पास? ये आ गया 1/√2. और ये साइन 35 मैं इसे एज इट इज रहने दे रहा हूँ और नीचे ये 2 से डिवाइड हो रहा है. अगर मैं इस रूट 2 का एलसीएम ले लूं तो सर्टेनली जो मुझे राइट साइड पे दिख रहा है वो एज इट इज आई विल बी गोइंग गेटिंग दैट. दैट इज साइन ऑफ 35 डिग्री ओवर 2 रूट 2. टेल मी इफ इट इज ओके. यस सर. अर्पित समझ में आ रहा है? इजी है? यस सर. वुड यू लाइक टू ट्राई द सेकंड वन? यस. I'll wait a minute. Before I tell the solution, I'll wait for a minute. Try karo. So as you have done both the questions, let's proceed to some other questions, right? These are certainly better questions. And if you are able to solve them, it would be great. So chalo, randomly main kuch questions mark karta hun, right? Iske alawa tum apne side se bhi mujhe koi questions suggest kar sakte ho ki haan sir ye bhi kar do. Theek hai, main randomly apni taraf se zyada nahi, 4 question mark kar raha hun. 8 question hai. मैं चार रैंडमली कोई से भी चार मार्क कर रहा हूँ. तो मैं अगर चाहो तो यू कैन चेंज इट राइट. यू कैन टेल मी नहीं सर ये वाला ये कर दो, तो यू कैन टेल मी, नो इश्यूज. ठीक है, जैसे मैंने टैन का एक ले लिया, साइन का ले लिया, कॉस के दो ले लिए मैंने, है ना. आई जस्ट वांट टू टच एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज द मेन कंसर्न. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा भी हो कोई से भी हो, दैट इज ओके. ठीक है, तो आइए देखते हैं. राइट, सो लेट्स सी. आओ एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ. ट्राई करना चाहोगे या मैं ट्राई इसको कर दूं? ट्राई करना चाहते या एक आध कर दूं पहले कहो तो? चलो ठीक है, ट्राई कर लो. ट्राई द फर्स्ट वन. आई गिव यू 1 मिनट, ट्राई करो. जस्ट द फर्स्ट वन देखो ट्राई करके. सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन. राइट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन बाय यू. चलो सेकेंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ. आई विल स्टार्ट विद द LHS. राइट, we'll start with the LHS of second one. We have cos of 40 degree
cos of 80 degree and cos of 160 degree. ठीक है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह के एक्सप्रेशन में आपको हमेशा क्या करना चाहिए. अब cos a cos b वाला फॉर्म दिख रहा है ना. सी एट द एंड यू शुड नो कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म है. ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है. दिस इज ट्वाइस ऑफ cos a cos b. नाउ हाउ डू वी गेट दिस. वी गेट दिस व्हेन वी डू द एडिशन ऑफ cos of a minus b plus cos of a plus b. ठीक है, ये वाली चीज तब आती है. अगर साइन ए साइन भी होता तो इसका मैं क्या करता, सब्सट्रैक्शन करता, सेम रिजल्ट का सब्सट्रैक्शन करता. तो इसके लिए मुझे ट्वाइस चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं और टू से डिवाइड कर देता हूं. ठीक है, सो आई रीच दिस प्लेस. ओके, अब इनमें से कोई भी ए और बी वाली चीज आप कंसिडर कर लो. जैसे मैं इसमें इस जगह पे अप्लाई करता हूँ, राइट, आई वॉन्ट टू अप्लाई ट्वाइस ऑफ cos a cos b इन दिस प्लेस. एंड एज आई सजेस्टेड यू कि जो भी चीज बड़ी है उसको ए ले लो, उससे थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स कम आती है. तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ट्वाइस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी. a माइनस बी करूंगा तो कितना हो गया, ये 80 माइनस 40 इज व्हाट, इट इज 40. तो ये आ गया मेरे पास cos ऑफ 40 प्लस a प्लस बी. a प्लस बी कितना हो गया बच्चों, a प्लस बी मेरे पास आ गया 120. इट इज 120. ठीक है, 120 डिग्री. एंड दिस एंटायर थिंग इज मल्टीप्लाई टू cos ऑफ 160, जिसका हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा. ये एज इट इज है मेरे पास 160. और ये पूरे एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है. नाउ देखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा जहां कहीं भी तुम्हें वैल्यूज पता है उन वैल्यूज की, वहां पे है ना उसकी वैल्यू रख दो. जैसे ये cos 120, आई नो द वैल्यू, राइट. cos 120 को आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दिस वैल्यू एज cos ऑफ 90 प्लस 30. एंड आई एम श्योर यू नो दैट cos 90 प्लस 30 इज व्हाट, इट इज माइनस sin 30. ठीक है, व्हाट इज cos 90 प्लस थीटा, इज माइनस sin थीटा. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दिस कमिंग आउट टू बी माइनस 1/2. तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू माइनस 1/2 रखना चाहूंगा. Instead of doing any calculation, I'll rather put this value as minus 1/2. I hope that is okay. ठीक है, और फिर अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखते हैं क्या चीज निकल के आती है. ठीक है, the rough work on the right hand side, I'm erasing it, believing that that's very easy for you. ठीक है, so आओ देखते हैं यहाँ पे मेरे पास right side पे अभी क्या आता है. ये जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, I am going to get cos of 40 degree into cos of 160 डिग्री. ठीक है, और साथ में मेरे को क्या मिला, साथ में मुझे मिला माइनस ऑफ cos 160 डिग्री का हाफ. ठीक है, अगर मैं इस हाफ को एलसीएम में ले लूं तो ये चीज क्या, ये 2 यहां पे भी आ जाएगा, राइट, ये 2 यहां पे आ जाएगा. एंड दिस एंटायर थिंग वुड बिकम व्हाट, दिस एंटायर थिंग वुड बिकम व्हाट, 4. ठीक है, बिकॉज जब मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 पहले से नीचे था, कितना हो गया, 2 4 हो गया. तो अब ये cos 160 का तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, राइट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, विल सी. बट हाँ, एक चीज तो सर्टेनली समझ में आती है कि cos 160 को हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते थे, क्या, 180 माइनस 20. एंड cos ऑफ 180 माइनस थीटा, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस cos थीटा. यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ cos 20 डिग्री. यानी इस एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस cos 20 डिग्री लिखूंगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, दिस विल बिकम प्लस ऑफ cos 120 डिग्री. ठीक है, यहां तक ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सर्टेनली मैं फिर से ट्वाइस ऑफ cos a cos b अप्लाई करने जा रहा हूँ इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस वन. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बन के आ रहा है मेरे पास. व्हाट डू वी गेट, so this is coming out to be cos of a minus b. as I said time and again, consider the larger value as a, doesn't matter wo pehle hai ya baad mein. theek hai, to cos of a minus b which is 160 minus 40 kitna ho gaya, cos of 120 ho gaya, there is cos of 120. aur plus cos of a plus b kitna ho jayega, 200 ho jayega. so there is cos of 200 degree. theek hai, this is the expression. aur saath mein mere paas cos of 20 degree aise as it is bahar available hai. This is the expression that I get. Now, when I put a bit stress on this cos 200, तो ये cos 200 again मुझे कैसा दिख रहा है? Cos 200 मुझे दिख रहा है cos of 180 plus 20, and cos of 180 plus theta is what, minus cos theta. तो ये कितना हो जाएगा? Minus of cos 20. The good thing is that minus of cos 20 and plus of cos 20 will be cancelled out. अतवस बचेगा क्या? Cos of 120 over 4. And what is cos of 120? Cos of 120 again can be written as how much? Let me write it here. Cos of 120 can be written as cos of 90 plus theta.
And cos of 90 plus theta is what? Minus sine theta. Minus sine 30. Sine 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 by 2 होती है. Negative sine के साथ मैंने minus 1 by 2 किया. And let us not forget we have 4 in the denominator. So what is the value? The value is minus 1 by 8. And that is what we were supposed to prove on the RHS. Okay? So that is how we could have done this question. I hope that's okay, both of you. Is it fine? Yes. Yes. Good. What? How about the tan? Is tan ka kya kare? Because tan ke liye to humne koi compound formula transformation to humne padha hi nahi. I would like to erase the screen, okay? So, tan ke liye kya kare? Tan ke liye to koi formula padha hi nahi. We have not done anything for tan. But then we need to understand tan can be expressed any day in the form of sine and cos. Jiske liye hume compound formula malum hai. Theek hai? So, main yahan pe isko sine aur cos mein convert karta hu and let's see what do we get. So, coming to the fifth question, right? You can always add on to the list of questions, okay? So, main is LHS ko kis form mein likhunga? Main isko sine upon cos ke form mein likhunga. Sine 20, tan 20 degree is what? Sine 20 degree over cos 20 degree and so on. Tan 40 is how much? That is sine 40 over cos 40. मैंने तुमसे पहले ही कह दिया जिसकी भी वैल्यू तुम्हें मालूम है उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू रख दो अननेसेसरी डोंट कैरी इट उसको आगे फर्दर कैरी करने की जरूरत ही नहीं है tan 60 इज वेरी मच अ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें √3 आती है तो मैं उसकी वैल्यू √3 रखना चाहता हूं ठीक है आई होप दैट इज इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट tan 80 tan 80 इज हाउ मच tan 80 इज sin 80 ओवर cos 80 ठीक है ये यहां तक तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया अब मुझे इसमें देखना है कि कैसे क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता इजीली किसी भी दो वैल्यू को पिक कर लो पिक एनी टू वैल्यू राइट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ठीक है ये ऊपर बन गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ sin a sin b नीचे आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ cos a cos b इसका रिजल्ट कैसे आता है आई होप हमें ध्यान में होगा फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है Because जितनी बार तुम चीजों को revise करते हो उतना अच्छा होता है twice of sin a sin b जो मेरे पास numerator में है ये वाली चीज कब आती है cos से आती है कैसे आती है cos of a minus b and minus of cos of a plus b ठीक है और जो दूसरा result है which is twice of cos a cos b cos a cos b ये वाली चीज कैसे आती है cos of a minus b plus of cos of a plus b so quite obvious main numerator mein I'm going to apply the first result and in the denominator I'm going to apply the second result this one cos a cos b so aisa karte hain and let's see what do we get a certainly is the larger value theek hai to maine apply kara to a mera 40 hoga aur b main 20 ko lunga So cos of a minus b that is coming out to be cos of 20 degree minus cos of a plus b. A plus b. A plus b is a very good value. 60, jiski value hume malum hai. Right? Niche kya aayega mere paas? Isi ka plus aa jayega. Yani ki cos of 20 degree plus cos of 60 degree. Theek hai? Jaisa maine aapse baar baar kaha, ye jo value hai, ye constant hai, isko bahar rakh lo. Aur ये sin 80 cos 80 जो भी बच गया उसको as it is आप रहने दो without any disturbance ठीक है जो expression है जिसकी value मुझे मालूम है मैं उसकी value substitute करना चाहता हूँ जैसे cos of 60 है cos 60 को मैं लिखना चाहूँगा 1 by 2 I hope you don't mind cos 60 I would write it as 1 by 2 similarly cos 60 in the denominator as well I'll write it as 1 by 2 and I would like to take the LCM as well जब मैं LCM लूँगा तो ये 2 से entirely divide हो जाएगा और ये वाला 2 यहाँ पे आएगा similarly जब नीचे LCM लूँगा तो ये वाला 2 यहाँ पे आएगा ऊपर का 2 LCM और नीचे का 2 LCM cancel होंगे और मेरे पास सिर्फ ये expression रह जाएगा अब मैं क्या करना चाहता हूँ अब मैं इसको multiply करके देखता हूँ कि क्या बन रहा है right I would like to multiply this inside this sine 80 and cos 80 inside the bracket so root 3 will remain as it is I'll take it outside जैसे वो बाहर है उसको बाहर रहने दूंगा सिर्फ sine 80 को अंदर लेके जा रहा हूँ ठीक है multiply कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कितना आ गया ये आ गया मेरे पास twice of sin 80 into cos 20 ठीक है minus of sin 80 ठीक है minus of sin 80 ठीक है perfect
देखते हैं क्या एग्जैक्टली आने वाला है. नीचे अगर मैं देखूं मल्टीप्लाई करके तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये आ गया ट्वाइस ऑफ cos 80 into cos 20 plus 1, ठीक है. दिस इज वॉट आई रीच, ठीक है. मैं इस जगह पे यहां तक तो आ गया. और हमें वैल्यू कितनी चाहिए इसमें, RHS में 3 चाहिए. चलो ठीक है, नो इश्यूज, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है. तो अभी तो एक चीज समझ में आती है कि ये मुझे ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस भी दिख रहा है, ठीक है. ये वाली चीज क्या दिख रही है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस भी दिख रही है. तो मैं इस वैल्यू इसको सब इसको वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ साइन ए कॉस भी वाला, राइट. तो आइए डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ रूट थ्री. मैंने एज इट इज रहने दिया, आई एम गोइंग टू अप्लाई साइन ए कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ. साइन ए कॉस बी ट्वाइस कितना हो जाता है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज साइन ऑफ 100 डिग्री, राइट. और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना हो गया 80 माइनस 20 इज व्हाट साइन 60. नाउ जब कभी भी रिकॉग्नाइज वैल्यू आती है तो समझो तुम क्वेश्चन में सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है. और साथ में मेरे पास ये नहीं भूलना है कि अभी मेरे पास ये वाली चीज माइनस में भी है साइन 80, जिसका अभी फिलहाल तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा. दिस साइन 80 इज एज इट इज, ठीक है. दिस साइन 80 इज एज इट इज. डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है इसको भी वी कैन अप्लाई द सेम थिंग हियर. ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी है, ये क्या आएगा, ये आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कितना 60 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी. कॉस ऑफ ए प्लस बी तो ये कितना हो गया बेटा, cos of a plus b से मुझे कितना मिल जाएगा, cos of 100 मिल जाएगा, ठीक है. that is coming out to be cos of 100 degree, okay. तो ये cos 60 हो गया और ये cos 100 हो गया. और साथ में एक plus 1 भी है, let's not forget that. एक plus 1 भी है, let's not forget that. ठीक है बच्चों, is everything okay children? yes sir. right. मैं ये left side वाली चीज erase कर रहा हूँ, I need some space. मैं calculation थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है. तो I need some space. मैं इसको erase कर रहा हूँ. So, अब ये इरेज करने के बाद जहां जो वैल्यू मुझे मालूम है मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, ठीक है. जैसे रूट थ्री कोई टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी एक वैल्यू है. ये जो साइन 100 है ना, इसको मैं थोड़ा इजी करके देखना चाहता हूँ. साइन 100 को मैं लिखना चाहता हूँ 90 plus 10, एंड साइन 90 degree plus theta इज नथिंग बट cos theta विच इज cos ऑफ 10 degree, ठीक है, विच इज cos ऑफ 10 degree. हाँ बोलो सर. इसमें साइन 80 को सर साइन 100 लिख सकते हैं, तो वो साइन 100 कट हो जाएगा. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है. तुम वैसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट मनन. और साइन 80 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इट इज साइन 90 माइनस 10 डिग्री, एंड साइन 90 माइनस थीटा 180 माइनस 100. बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, ठीक है. तो अगर मैं 90 प्लस थीटा लिखता हूँ तो ये कितना हो गया, cos 10 डिग्री हो गया. और 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो ये तो भी cos 10 डिग्री हो गया. समझने की बात ये है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये चीज अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगी. आप जो बता रहे हैं cos 180 माइनस थीटा, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है. दैट इज ऑल्सो फाइन. तो मेरे पास जो ऊपर चीज बच रही है वो सिर्फ क्या बच रही है, इट्स कमिंग आउट टू बी साइन 60 डिग्री, ठीक है. तो चलो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है. साइन 60 डिग्री इज हाउ मच, साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाई 2. तो मैंने ऊपर रखा, ये रूट 3 पहले से था और ये रूट 3 बाई 2 दोबारा से आ गया, ठीक है. तो अब डिनोमिनेटर में चेक करता हूँ. डिनोमिनेटर में मेरे पास है cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है. cos 60 डिग्री इज, cos 60 डिग्री इज, हमने यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं किया ना इन द डिनोमिनेटर, इज एवरीथिंग ओके, कुछ कैलकुलेशन में हमने मिस तो नहीं करा. बिकॉज ये cos 100 डिग्री ये एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, राइट. आई जस्ट होप हमने कुछ मिस नहीं किया है. डिड वी मिस एनीथिंग, कोई 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 कैलकुलेशन तो हमने मिस नहीं की बेटा. चलो एक cos 80 मिसिंग है, एक cos 80 मिसिंग है क्या? यस सर. माइनस साइन के साथ सर, प्लस साइन के साथ. अच्छा एक cos 80 और था राइट साइड पे. यस सर. मुझे ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए, राइट. इट शुड बी देयर, तभी ये चीज जो है मैं जो है इसको आगे सॉल्व कर पाऊंगा और तभी ये 3 तक पहुंच पाएंगे. तो माइट भी हमने पिछले स्टेप में शायद cos 80 राइट साइड पे जो होगा, बिकॉज यहाँ थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, तो माइट भी वहाँ पे हमने मिस करा है, ठीक है. तो चलो एनीवेज कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं, राइट. मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एक cos 80 ऐड करता हूँ, राइट. अगर कोई परेशानी आएगी दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है. write it write things this thing as plus cos 80 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. तो ये cos 60 की वैल्यू मैंने रखी हाफ. cos 100 अगेन कैन बी रिटन एज हाउ, व्हाट,
cos of 100 is nothing but cos of 90 plus 10. 90 plus 10 यानी कितना आएगा ये minus sin theta which is minus sin of 10. तो ये value आ गई मेरे पास minus of sin 10 degree. This expression is minus of sin 10 degree. ठीक है और क्या बचा right, एक cos 80 रह गया ये right कि इस one का क्या करेंगे ये वाला one भी यहाँ पे कुछ miss हो रहा है. अरे वन नहीं आ रहा था इसकी जगह साइन 80 आ रहा था और कॉस 80. अच्छा चलो तो भी ऐसा ही हुआ होगा राइट. आई जस्ट होप एक बार तुम कर लेना अगर कुछ परेशानी आएगी तो पूछ लेना. आई एम श्योर तुम्हें मेथड तो समझ में आ चुका है. ठीक है सर ये कर लिया था तो उससे बता रहा था. परफेक्ट परफेक्ट बेटा. सो कॉस 80 डिग्री इज नथिंग बट कॉस 90 माइनस थीटा व्हिच इज साइन थीटा. सो दिस इज गॉन एंड दिस 1/2 इज गॉन. √3 इनटू √3 इज व्हाट 3 व्हिच इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. ठीक है so that is how we could have done the fifth part. ठीक है अब एक क्वेश्चन और हम लोग अभी हमने cos पे कर लिया एक tan पे कर लिया अब एक sin पे भी कर लेते हैं. let us do the last one the eighth question. ठीक है सर ये सब क्वेश्चन को कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं होता alternative, मतलब बहुत लंबा जाता है ये सब. एक दो बार ऐसा कर लोगे फिर तुम्हें ये सब चीजें ध्यान रहने लग जाएंगी. ठीक है ऑल्टरनेट मेथड इनका फिर होता है अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो फिर इन दैट केस आप ऑप्शन से मेथड एलिमिनेट करके क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट करके एक बार ट्राई कर सकते हैं. ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग एमसीक्यू में करेंगे तो देखेंगे वी सर्टेनली हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस राइट. जब कोई भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो हमारा अप्रोच चेंज हो जाता है. बट हाँ अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में आपको प्रूव करने को दे रखे हैं तो डेफिनेटली तुम ऐसे ही करोगे तभी सारे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है इस समय कोई ऑल्टरनेट मेथड स्कूल वाले एग्जाम में काम नहीं आएगा. कंपटीशन में तो ठीक है भाई एनी मेथड वुड वर्क राइट. व्हाटएवर मेथड यू आर यूजिंग दैट इज ओके दैट शुड जस्ट बी करेक्ट एंड यू शुड रीच द फाइनल आंसर. ठीक है देखिए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी सो आई विल डिस्कस मैं इसको फटाफट से सॉल्व कर लूँ फिर इसमें आगे क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश करेंगे. सो 8th क्वेश्चन मैं इसमें LHS में क्या करता हूँ कि साइन 60 की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी होती है √3/2. सर्टेनली मैं क्या करूंगा √3/2 इन द वेरी फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे रखूंगा. और क्या करूंगा मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा राइट. और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा. मेरी बात समझ में आ रही है ना. ठीक है तो देखो जब मैंने LHS में इतना सा काम कर दिया दैट इज स्टेप 1 जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ. जब तुम अपने आंसर शीट में करोगे तो डेफिनेटली तुम उसको मेंशन करोगे. ठीक है तो ये मेरे पास कितना आ गया ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी. ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज नथिंग बट और लेट्स नॉट फॉरगेट √3/2 और ये 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर मेरे पास एक कॉन्स्टेंट है विच इज वॉट विच इज √3/4. ठीक है √3/4. ठीक है और ये इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ दिस वन साइन ए साइन बी. तो ये कैसे मिलता है मुझे कॉस ऑफ ए माइनस बी 40 - 20 दैट इज कॉस 20 राइट एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी. कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना मिलेगा दैट इज अगेन अ वेरी गुड वैल्यू विच इज कॉस 60. साइन 60 मैंने वैल्यू रख रखी है और मेरे पास एक सिर्फ साइन 80 रह गया. मेरे पास सिर्फ एक साइन 80 रह गया. नाउ दिस इज द LHS आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड पुटिंग द वैल्यूज. नाउ अगेन अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने वाला हूँ किसकी साइन 60 की वैल्यू रखने वाला हूँ सॉरी कॉस 60 की वैल्यू रखने वाला हूँ. कॉस 60 कितना होता है बच्चों कॉस 60 इज 1/2. ठीक है देखते हैं कितना आ रहा है मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने √3/4 को एज इट इज रहने दिया इस 2 से एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ कॉस 20 - 1/2. इस 2 को अगर मैं इधर कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास 8 हो जाएगा. ठीक है और ये एज इट इज मैंने उसको बाहर ले लिया तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ. अब क्या करूँ सर्टेनली मैं इस साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और देखते हैं कितना आ रहा है. तो ये √3/8 तो कॉमन कॉन्स्टेंट है ये वाली चीज मेरे पास आ रही है ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 20 साइन ऑफ 80 माइनस साइन ऑफ 80. ठीक है माइनस साइन ऑफ 80. नाउ अगेन ये कौन सा फॉर्म है ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी या फिर साइन ए कॉस बी. ए क्या लेते हैं जो बड़ी वैल्यू है तो सर्टेनली मैं इसको क्या लूंगा साइन ए कॉस बी का फॉर्म लूंगा. साइन ए कॉस बी क्या ये वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड है डेफिनेटली यस राइट. साइन ए कॉस बी हमें वैल्यूज पता रहती हैं और हम उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. तो मैं इसको क्या लिखूंगा √3/8 एज इट इज विल रिमेन देयर और ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी राइट. साइन ए कॉस बी इज व्हाट इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी
ए प्लस बी कितना हो गया 100 डिग्री, ठीक है, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस में या प्लस में, सर्टेनली प्लस में, ठीक है, तो ए माइनस बी कितना हो गया 80 माइनस 20 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, और लेट्स नॉट फॉरगेट एक साइन 80 मेरे पास अलग से भी है, लास्ट क्वेश्चन में हमने मिस कर दिया था, ठीक है, साइन ऑफ 80 डिग्री दैट इज देयर. तो नाउ दिस इज वेरी इजी टू से that sine 100 and sine 80 they have the same magnitude but with opposite sign. ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, कैसे कैंसिल होगी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिखता हूं sine 180 minus 80 degree which is what sine 80 degree, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ वैल्यू कितनी रह गई, दिस इज root 3 by 8 and sine 1 by sine 60 degree, what is that, that is root 3 by 2, so when I multiply that I get 3 over 16 as the required RHS. Is it okay, boys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Let's proceed ahead. Right, quickly we'll move on to the next question. That is fine. देखो जैसे अब इसकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन अब थोड़े slightly different हो रहे हैं, है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, questions थोड़े slightly change होते जा रहे हैं, ठीक है? हमें ये prove करना है that sine of A into sine of B minus C sine of B sine C minus A and sine C into sine minus B that is equal to zero. ये हमें zero prove करना है. कैसे इसको प्रूव कर सकते हो, हाउ कैन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप एनी सजेशन, एनीवन? सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये बात तो बहुत अच्छी है कि आपको ये बात अभी तक क्लियर हो चुकी है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बिकॉज ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके बाद डेफिनेटली हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, हाँ ओपन करोगे, और देखो जैसे मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए करके बताता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सिर्फ जो फर्स्ट है राइट, उसके बेसिस पे रिमेनिंग टू एक्सप्रेशंस आई एम श्योर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, ये वाली चीज मुझे क्या देती है, कॉस से निकल के आती है, तो ये क्या होता है, कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये मेरे पास ए है, इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस बी और प्लस सी होगा, ठीक है, और जब मैं इन दोनों को एड करूंगा, ठीक है, तो कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन के साथ करते हैं, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a plus b minus c, that is what I'll get in the first expression, ठीक है, a minus b plus c, और यहां क्या मिल गया मुझे, a plus b minus c, जबकि जब तुम सेकंड एक्सप्रेशन पे जाओगे ना तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप करते हो व्हिच इज sin b, लेट्स नॉट फॉरगेट ये सारी चीजें 2 से डिवाइड भी हो रही हैं, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कैंसिल, एवरीथिंग वुड बी कैंसिल, चलो कर ही देता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन तुम कर लेना, फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये साइन बी और साइन सी माइनस ए, अगेन सेम थिंग विल बी देयर, किस फॉर्म में आएगा, कॉस के फॉर्म में आएगा, फर्स्ट टर्म माइनस द सेकेंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे बी है, और सेकेंड टर्म से मैं जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस सी प्लस ए मिलेगा, और माइनस कॉस ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स विच इज बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, दैट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली व्हेन यू लुक एट द थर्ड टर्म दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, ये मुझे मिल जाएगा सी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी एंड माइनस ऑफ द सम ऑफ द टू टर्म्स व्हिच इज सी प्लस ए माइनस बी. अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां देखें a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस, c माइनस a प्लस बी, c माइनस a प्लस बी, दोनों टर्म्स एग्जैक्टली कैंसिल कर रहे हैं, द एंटायर न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी जीरो, इट इज विल बी जीरो ओवर टू विच इज सर्टेनली जीरो एंड हेंस दैट इज योर आरएचएस. बात समझ में आ गई आप लोगों को? ट्राई करके देखना, आई एम श्योर हो जाएगा. लेवल टू का एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ राइट बिफोर वी फिनिश टूडेज क्लास, एंड आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप इन क्वेश्चंस को जो बचे हुए क्वेश्चंस थोड़े बहुत रह गए हैं, हालांकि 50% ज्यादा क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस कर लिए, बट फिर भी थोड़े बहुत जो रह गए वो आप ट्राई करोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कल की क्लास में 8.2 की तरफ मूव करना चाहेंगे, ठीक है, जो भी इसके बेसिक्स हैं उसको कवर करके फिर हम क्वेश्चंस वहां से करना चाहेंगे, ओके.
चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, बताओ सेवेंथ करूं या एट्थ करूं? एट. चलो एट करते हैं, बिकॉज सेवेंथ टाइप का क्वेश्चन एक पहले हम लोगों ने पहले कर रखा है, राइट, अभी अभी डिस्कस किया है, तो एट्थ उस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है, चलो एट क्वेश्चन कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई टू, शो दैट द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा इज हाफ. ठीक है, नो इश्यूज. आइए देखते हैं इसका क्या हो सकता है, लेट अस सी. तो ये मेरे पास कॉस अल्फा और कॉस बीटा है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, पाई बाई टू, बड़ी अच्छी बात है. तो मुझे ये ध्यान आता है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, जिसकी मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए वो ये एक्सप्रेशन है, तो मैं पहले इसको एक रिकग्नाइज फॉर्म में लेता हूँ. मैं इसको क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं इसको टू से डिवाइड करता हूँ. तो ये वाली चीज ना कुछ रिकग्नाइज सी आ जाती है, आई एम प्रीटी श्योर इवन यू अंडरस्टैंड दिस. ये कितना हो जाता है मेरे पास, ये हो जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी, एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इन दिस पार्टिकुलर केस. और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, पाई बाई टू दे रखी है. तो अगर मैं यहाँ पे पाई बाई टू रख देता हूँ, सो द गुड साइड इज दैट वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन थिंग विच इज कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस पाई बाई टू इज जीरो ओवर टू. अब ये बात तो हमें मालूम है ना कि कॉस ऑफ एनी एंगल, वेदर इट इज एनी एंगल कॉस थीटा, दिस लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. एज वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा, प्लस वन रखूंगा. तो ये चीज हो गई वन और ये टू मेरे पास नीचे है ये. तो आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सर्टेनली इट इज 1 बाय 2. एनी प्रॉब्लम? नो नो सर, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द मिनिमम विल बी -1 बाय 2. ठीक है, सो स्टॉप इट हियर चिल्ड्रन, राइट. आई होप दिस सेशन वाज एब्सोल्युटली फाइन. यहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी इवनिंग में है, बट अदरवाइज इट्स ओके.